घर, हमारा प्यारा घर, किसी का मल्टी स्टोरेज में होता है, किसी का गांव में होता है, कोई पहाड़ों में रहता है तो कोई हरे मैदानों में रहता है, लेकिन घर तो घर होता है। आज मैं आपको लेके आया हूँ मणिपुर के ऐसे घरों को दिखाने के लिए जो पानी के ऊपर बने हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकटक लेक में ये घर बने हैं, एक OMG सरफेस पर, जी हाँ फुमड़ीज पर, जो दुनिया में सिर्फ इसी लेक में पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये फुमड़ीज होती क्या है। करीब 240 स्क्वायर मीटर में फैली इस लेक में तैरते फ्लोटिंग सॉइल ब्लॉक्स है ये फुमड़ीज, जो बने हैं तैरती घास फूस और मिट्टी की लेयर एक दूसरे के साथ जुड़ने से। इनकी खास बात है कि ये पानी में कभी डूबते नहीं है। इनका 20% हिस्सा पानी के ऊपर और 80% हिस्सा पानी के नीचे रहता है, और ये इतने मजबूत है कि मैथी कम्युनिटी के हज़ारों फैमिलीज ने ऐसे ही फुमड़ीज पर अपने घर बनाए हैं। हम लोगों के घर का एड्रेस तो सेम रहता है, पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फुमड़ी यहाँ पे तैरती रहती है। मान लीजिए रात में आप नॉर्थ में सोए हैं और सुबह लेक के साउथ की तरफ पहुंच गए। दोस्तों इन फुमड़ीज पर इनका घर तो है, लेकिन बच्चों का स्कूल भी उन्हीं में से एक फुमड़ीज पर है, और मैथी कम्युनिटी का मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी मछलियां पकड़ने का काम भी ये इनकी मदद से करते हैं। नेचर के बीच रहने के अपने ही अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी ने उस चैलेंजेस को ना सिर्फ स्वीकारा है बल्कि नेचर के हिसाब से अपना रहन सहन भी बदला है। ये जो गोल गोल फुमड़ीज दिख रही है वो मैनमेड है। फिश फार्मिंग के लिए इन्हें गोल किया जाता है ताकि मछलियां पकड़ने में आसानी हो। लोकटक लेक में ही 40 स्क्वायर किलोमीटर की एक बड़ी फुमड़ी है, जो दुनिया का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस तैरते पार्क का अपना ही यूनिक इकोसिस्टम है। यहाँ पे इंडियन पाइथन और बार्किंग डियर जैसे रेयर स्पीसीज भी है, पर सबसे खास तो यहाँ का सांगाई डियर है। पूरी दुनिया में यही इसका एक लौता हैबिटेट है। गांव वालों के सपोर्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से केबुल लामजॉ पार्क सांगाई डियर का परफेक्ट होम बन गया है। हम इंडियंस की खास बात यह है कि हम किसी भी नेचुरल कंडीशन में रहने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि मणिपुर की इस मैथी कम्युनिटी ने नेचर के साथ ऐसा अनोखा तालमेल बनाया जो अपने आप में ही एक अमेजिंग फैक्ट्स है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय and thanks a lot.